बिल्कुल नाजरीन, कदाफी स्टेडियम और फजले हक डेरा और यहाँ की फूड्स कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो नाजरीन साथ मौसीकी और साथ बिल्कुल देसी कल्चर स्टाइल जिसमें लोग आकर खानों को इंजॉय कर रहे हैं, और यकीनन नाजरीन खाने के साथ साथ इंटरटेनमेंट का भी इंतजाम है। तो जो स्पेशली टर्किश स्टाइल लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ये कौन से वाले पान है? ये शाही मीठे पान है। शाही कौन से, मतलब कहाँ का? ये बनारस के। बनारस के हैं? बनारस कहाँ? इंडिया बनारस के शाही मीठे। हाँ बिल्कुल नाजरीन, फजले हक डेरा में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बिल्कुल सर्दी से बचने के लिए तो बचाव किया गया, और चलते हैं आगे और आपको फूड कुछ एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या तैयार हो रहा है फूड्स में, और यहाँ का आपको तमाम का तमाम व्यू भी चेक करवाते हैं। और हमारे साथ इस वीडियो को लाजमी इंजॉय कीजिएगा। तो ये फजले हक में स्पेशली तैयार करते हैं, क्या बना रहे हैं भाई? हाँ बिल्कुल नाजरीन, ये इस टाइम जो है ना रेडी हो रहे हैं ये मछली। सॉरी, क्या क्या रेडी कर रहे हैं? ये पीस है, टिक्का बोटी है, मलाई बोटी है। अच्छा अच्छा, नाजरीन ये लाहौर की फूड्स का मुकाबला ना आप किसी शहर से नहीं कर सकते, क्योंकि लाहौर जो है ना जिसे फूड की मतलब क्या कहते हैं, फूड का गढ़ कहा जाता है। तो ये सारी की सारी फूड है, और चलते हैं आगे और आपको और फूड्स दिखाते हैं कि कैसे तैयार हो रहे हैं। तो इनमें कौन कौन से मसाले यूज करते हैं आप? इनमें कौन से मसाले जो स्पेशली तैयार करते हैं, जो ये इनको मजेदार बनाने के? देसी मसाला ही यूज करते हैं, कोई बाजार से मसाला नहीं बनाते, मतलब अपने तैयार करता मसालों से बनाते हैं। सही है, तो चलते हैं आगे और आपको और भी कुछ खाने के व्यूज चेक करवाते हैं टका टक, और मुख्तलिफ खाने जो इस टाइम रेडी हो रहे हैं वो भी सारे का सारा व्यू आपको चेक करवाते हैं। तो बिल्कुल नाजिन यहाँ पर टका टक तैयार हो रहा है, और आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। ये स्पेशली फजले अकडेरा की मछली तैयार हो रही है, और आज की नाइट को जो है ना स्पेशली बनाने के लिए लोग इधर का विजिट कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के खाने जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। तो यकीन नाजिन ये कौन सी मछली जनाब तैयार कर रहे हैं? काला रोहू तैयार कर रहे हैं। नाजरीन ये काला रोहू मछली, कोई चिटा रोहू नहीं होती मछली? नहीं होती सर, ये काला रोहू। जैसे काला चौंसा और व्हाइट चौंसा, काले रोहू में खाने का मजा आता है, ये स्पेशल होता है। अच्छा अच्छा बिल्कुल नाजरीन, काला रोहू जो है ना वो ज्यादातर करवाते हैं कि क्या क्या तैयार हो रहा है फजले हक डेरा में। और ये फजले हक डेरा की स्पेशली तंदूरी चाय है, और इसका भी आपको व्यू चेक करवाते हैं। तो मिलते हैं जो भाई इस चाय को स्पेशली तैयार कर रहे हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं ये चाय कैसे तैयार कर रहे हैं। नाजिन जो हमारा कैमरा है ना वो हमेशा खाने की तरफ ही जाता है, क्योंकि खाना एक्सप्लोर करना ही हमारा जो है ना मेन मकसद है। तो जी भाई कैसे तैयार करते हैं चाय? ये बस 2 मिनट ये चाय में डाल के फिर आप इंशाल्लाह अपना पूरी दिन चाय का शॉट रहता था। तो चाय तैयार करने के लिए क्या नाम है भाई का? जाहिद भाई। तो जाहिद भाई कैसे तैयार करते हैं ये चाय? ये हम दूध अच्छा लेके आते हैं, स्पेशल अपनी कोई डेयरी है कोई? हाँ जी सही है। तो क्या क्या इसमें डालते हैं, क्या क्या स्पेशल? मतलब मैंने चाय टेस्ट की है तो बहुत मजा आया। वैसे सर इसमें हम छोटी इलायची ऐड कर रहे हैं, और इसमें दानेदार पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं। दानेदार पत्ती अच्छा इस्तेमाल, सही है। अच्छी तरह से पका कर, हाँ मतलब मेन जो है ना वो जब गर्म होता है कप तो उसका जायका आता है, मट्टी का टेस्ट आता है। बिल्कुल 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 नाजिन, ये जो तंदूरी ये जो चाय होती है ना ये सेहत के लिए भी अच्छी है, जो मिट्टी के बर्तन है ना वैसे ही इनमें शफा होती है। तो चलते हैं आगे।
फजले हक डेरा में मौजूद है और इधर बहुत ज्यादा खाने तैयार होने हैं। स्पेशली फजले हक डेरा के खाने हमने ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं, बहुत मजेदार खाने होते हैं। तो आपको एक कड़ाही शॉट चेक करवा, मौजूद है कड़ाही सेशन में और कैसे तैयार हो रही है कड़ाही, तो ये कौन सी कड़ाही तैयार हो रही है? जी बिल्कुल मटन कड़ाही चल रही है और बिल्कुल नाज़रीन जो लाहौर जो है ना वो खानों का ऐसा गढ़ है कि जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के खाने मिलेंगे और उनका स्वाद टेस्ट भी जो है ना वो सबसे मुनफरद होगा। तो कैसे तैयार करते हैं कुछ बताएंगे हमें? बताएंगे नहीं? अच्छा अच्छा बताएंगे। क्या क्या स्पेशल रेसिपी है जो आप यूज करते हैं इसमें, बताइएगा रेसिपी के बारे में थोड़ा सा, व्यूअर्स हमारे जानना चाहते हैं। सर इसको पहले हम प्रेशर में लगाते हैं, अदरक लहसुन डालते हैं इसमें और मसाले वगैरह डालते हैं, इसको हम टाइम लगाते हैं। उसके बाद हम ये कढ़ाई में डालते हैं, इसकी बनाई करते हैं अच्छी तरह। उसके बाद हम सर इसमें दही डालते हैं, दही डालने के बाद इसमें मसाला डालते हैं और डेकोरेशन करके आगे भेज देते हैं। बिल्कुल इसमें देसी घी भी यूज होता है कि नहीं? देसी घी भी यूज होता है। बिल्कुल नाज़रीन इसमें देसी घी भी और मक्खन का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल नाज़रीन कढ़ाई जो है ना तैयार होने के प्रोसेस में चलते हैं आगे और आपको मसाला जात भी दिखाते हैं जो इस कढ़ाई में स्पेशली यूज किए जाते हैं। ये सारे के सारे मसाला जात हैं। और ये क्या है? ये बटर है नाज़रीन, ये बटर है और ये बिल्कुल 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 नाज़रीन म्यूजिक नाइट हो और साथ खाने हो तो मेरे ख्याल में इसका जो है ना मुकाबला ही नहीं कर सकते किसी अच्छी महफिल से। तो बिल्कुल नाज़रीन ये बहुत अच्छी महफिल भी चल रही है, साथ साथ इसे महफिल मौसीकी कह सकते हैं और साथ खाने, तो यकीन है नाज़रीन आप इंजॉय कर रहे होंगे। और ये जो है ना मेन जो जिसे कहते हैं पॉइंट होता है, बिल्कुल नाज़रीन दही ऐड किया जा रहा है इसमें और दही ऐड करने के बाद जो है ना कढ़ाई बिल्कुल तैयार, कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और यकीनन नाज़रीन आपने आज की वीडियो को लाजमी इंजॉय किया होगा और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली फूड्स वीडियो जो है ना वो आपको मिलती रहे और आप इंजॉय करते रहे। बिल्कुल नाज़रीन फजले हक का खाना जो है ना वो आपने लाजमी टेस्ट करना है और माशाल्लाह इधर वैसे भी जो है ना बहुत ज्यादा दुनिया इस टाइम आई हुई है जो खाने को जो है ना टेस्ट कर रही है और इंजॉय कर रहे हैं इस टाइम आज की नाइट को। बिल्कुल नाज़रीन ये फजले हक की स्पेशली सौगात है जिसमें रशियन सैलेड और जो बताएंगे कौन कौन सी है सर? चिकन पाइनएप्पल सैलेड है, हाँ साथ में रशियन सैलेड है, ये मैक्रोनी सैलेड है, मैक्रोनी सैलेड है, साथ में ग्रीन सैलेड है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन फजले हक का खाना तो ऑलरेडी हमने टेस्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा है इनका मेयार। तो ये नाज़रीन इसका क्या नाम बताया? चिकन पाइनएप्पल सैलेड। जी बिल्कुल चिकन पाइनएप्पल और इसकी शेप बिल्कुल मछली की तरह लग रही है, तो मछली का शॉट भी तो हमने ऑलरेडी आपको दिखाया है। डेरा पे मौजूद है और हमारे साथ भाई हैं, क्या नाम है इनका? जी बिल्कुल रेस्टोरेंट मैनेजर है हमारे साथ इस टाइम उमर भाई। और बिल्कुल नाज़रीन जिन्होंने बहुत अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इस रेस्टोरेंट को जो है ना संभाला हुआ है, वो क्या कहना चाहते हैं उमर भाई? आपके सामने सब फैमिलियाँ ऐसी ऐसी बैठी हुई है माशाल्लाह, आपके सामने हमने बनाया हुआ पंजाबी कल्चर डेरा फजले हक डेरा। और देसी फूड के हवाले से अलहमदुल्ला कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैं लाहौरियों को पैगाम देना चाहूँगा, कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब भी आए तो ये पीछे से देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है हमारा फजले हक डेरा, पंजाबी डेरा पंजाबी।
अच्छे से बनाया हुआ है, अच्छी वीडियो का सेटअप है। एक दफा खाना जरूर टेस्ट करते हैं आपने फजले हक पे आके फजले हक डेरा का। बिल्कुल नाजरीन, ये फजले हक डेरा का व्यू है यकीन नाजरीन, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल है। और डेरे का मतलब होता है कि जैसे हमारे गांव साइड पे डेरा होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल फजले हक डेरा है। तो आइएगा और इधर आकर फूड को इंजॉय कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाली मजीद खाने की वीडियो जो है ना वो आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।